हेलो व्यूअर्स, तो मैंने ये वीडियो फिर से बनाना शुरू किया है ये दिखाने के लिए कि दवा कितनी इफ़ेक्टिव है। देखिए, सारे कीड़े लगभग मर गए हैं और अब आप इनकी पानी से अगर धुलाई कर देंगे तो ये सब कीड़े हट जाएंगे। अभी तो ये आपने देखा था कितने ज़्यादा चिपके हुए थे। इस पे से भी देखिए हट चुके हैं और ये देखिए इधर भी मैंने सब जगह कर दिया है। ये कीड़े मेरे बैंगन के पेड़ पर भी पहुंच गए थे, इस पर भी स्प्रे किया है। तो ये दवा मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। तो अब आप भी अगर इसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप ये दवा ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। मुझे अभी इसका और इस्तेमाल करना है। मैं इसमें एक ढक्कन के करीब, या इस पर सब मेंशन होता है आप देख लीजिएगा, डाल के अभी अपने नींबू के पेड़ पर भी स्प्रे कर दूंगी। अब रेगुलर स्प्रे करती रहूंगी। पिछले साल नींबू में बहुत हमारे कीड़े लग गए थे और सारा नींबू, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने टूथब्रश से रगड़ रगड़ के साफ किया था। ये देखिए, इस पे भी देखिए कर्ल लीव्स हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जब ये नई स्प्राउट्स यानी नई कोपलें निकलती हैं तो उन पर कीड़े बहुत जल्दी हमला कर देते हैं। पहले जब पिछले साल इस पर कीड़े लग गए थे तो मैंने बहुत स्प्रे किया लेकिन कुछ इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा था, तो पूरे पेड़ की कटिंग कर दी और जो स्टेम्स बचे थे उसकी पानी से टूथब्रश लेकर धुलाई की थी, फिर ये दोबारा ज़िंदा हो गया पेड़। और इस बार तो इसमें और ख्याल रखना है क्योंकि इस पे बर्ड्स भी आ रही हैं, कलियाँ आ रही हैं। और ये देखिए, ये मैंने कल जो बोला था वो फ्लावर बेड तैयार कर लिया है, लेकिन अभी इसमें बोया नहीं है, इसे भी तैयार कर लिया है। बोया इसलिए नहीं कि शाम में बड़ा बादल छा गया था, हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा अभी गड़बड़ चल रहा है, अगर बीज बो देंगे तो सब ख़राब हो जाएंगे और लेट भी हो रहे हैं, लेकिन अब रात को तो ऐसा लग रहा था बारिश हो जाएगी। आज लगता है सारी चिड़ियाँ स्कूल चली गई हैं, एक भी घूम नहीं रही है। आज मैंने इन्हें भी नहीं खोला है क्योंकि अगर इन्हें खोल देते हैं तो ये फिर कुछ काम नहीं करने देते हैं, इसलिए ये भी सोच रहे हैं कि आज की छुट्टी कैंसिल क्यों हो गई। ये देखिए, ये मैडम बॉक्स को ही खाने में लग गई हैं, अब क्या करें, कुछ करने को नहीं है। लगता है शाम तक इस डब्बे का जनाजा निकाल देंगे, बस करो। बहुत सुहाना मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए, दो कौवे पानी पीने आए हुए हैं। ये देखिए, ये गूलहड़ में ये जो कीड़ा है इसे मीली बग कहते हैं। ये भी आपको इतना छोटा सा लग रहा होगा लेकिन फिर ये इस पर बैठ जाएगा और ये एक कवर इसके ऊपर आ जाएगा वाइट, फिर ये कभी किसी भी दवाई से मरेगा नहीं। इस वक्त ये मीली बग्स का अटैक होता है आम के पेड़ पर और सबसे ज़्यादा गूलहड़ पर। अभी मैं इस पर भी स्प्रे करूँगी। चलिए तो फिर वीडियो एंड करते हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा मौसम है। बाय।